झुंझुनू जिले की सिंघाना पंचायत समिति की सिहोड़िया की ढाणी के विक्रम सिंह अपनी अद्भुत कलाकारी के लिए इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं। हाल ही में उन्होंने चारपाई पर सूत की रस्सियों से ताजमहल और राजस्थान का आकर्षक नक्शा बनाया है। उन्होंने बताया कि उनके परिवार के लोग भी इस कला से जुड़े हुए हैं और परंपरागत रूप से ये काम कर रहे हैं। विक्रम सिंह ने बताया कि उनके द्वारा बनाई गई चारपाइयों को शादियों में देने के लिए लोग खरीद रहे हैं। मेरे पिताजी ने सीखा, फिर मेरे पिताजी से मैंने सीखा है। तो ये सिर्फ हमें सीखना है कि किस प्रकार से डिजाइनिंग बनाई जाती है। आगे हम इसको बनाने के लिए सिंपल की किस प्रकार से आगे आप बना सकते हैं, बहुत ही उपयोगी है। और ये सभी हमें एक परंपरा चलाने के लिए हमें बताया गया है, ताकि परंपरा आगे चलती रहे हमारी और हर लोग बनाते रहे, तो सीखते रहे। ये हमारी पुरानी प्रकृतियों की कला है कि बड़े बूढ़े बनाकर गए थे उस कला को जीवित रखने के लिए, ताकि और भी बंदे सीखें, इसलिए मैंने सभी चीज सीखी। पुराने जमाना में जैसे चलता रहता था, जब कोई साधन नहीं था, अभी तो साधन होगा। पहले हाथ से काम करता था, जमींदारों करता था, सब हाथों से करता था। अभी कोई भी काम करता था तो हाथ से जेवड़ी बांटते हैं और वो खाद भी बनते थे। तो बनते बनते आगे नए नए काम चले गए, तो नए नए डिजाइन चले गए। अभी क्या है, लोगों ने सब कुछ कलाकारी सीख ली। बनाता तो टाबरिया भी सीखने लगा, टाबरिया बनाने लगा, कमाई आने लग गए, टाबरिया भी लोग पड़ गए बनाने लगा धीरे धीरे। कोई चाकी, कोई मुद्दा, कोई खाट, कोई पिलंग, बड़े तरह तरह का बनाने लगा, ले जाने लगा, देखने लगा लोग।